Hello everyone. So till now we have studied four aspects about production possibility curve. First was what is meant by PPC. Second, what does this curve indicate on the diagram? Third one was why is this downward sloping? And yesterday we have studied the fourth one also, ki why this special shape, why this concave shape. So now let us start from yesterday's portion only. And then we'll be finding one more thing about PPC. तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी डायग्राम की शेप उसकी स्लोप डिसाइड करता है. इस चीज़ को आपको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लेना है कि द शेप ऑफ एनी डायग्राम इज डिसाइडेड बाय इट्स स्लोप. उसकी जो ढलान है वो उसकी शेप को डिसाइड करती जाती है. और आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो? आप स्लोप कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज आ रहा है उनको पता लगा के निकाल सकते हो. कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ क्या होता है, इतना चेंज कितना है, चेंज इन वाई, और इतना चेंज किस में, चेंज इन एक्स. तो ये पता लगा के चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स करके आप इन दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकाल सकते हो. फिर मैंने आपको बताया था कि पीपीसी की स्लोप होती क्या है. पीपीसी की स्लोप होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड इट इज़ जस्ट द स्लोप. ये सिर्फ टेक्निकल टर्म है, ठीक है ना. ये क्या है, टेक्निकल टर्म है. ये पीपीसी की स्लोप का नाम है. और किसी भी डायग्राम की स्लोप ऐसे ही निकलती है. आगे चल के हम और भी कई सारे डायग्राम्स पढ़ेंगे. हर डायग्राम की स्लोप ऐसे निकलती है. आप दो पॉइंट्स ले लो डायग्राम पे और उन दो पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट्स का चेंज की रेशियो निकाल दो, ठीक है. उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो चेंज की रेशियो है, कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज की रेशियो आ रही है, वही उसकी स्लोप होती है. क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट तक ढलान कुछ थी और इस पॉइंट आते आते ढलान क्या हो गई, कुछ और. तो कैसे निकलेगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन सम यूनिट्स ऑफ गुड वन और गुड वाई विच इज़ ऑन द वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन सम यूनिट्स ऑफ गुड एक्स. तो जो वाई एक्सिस पे है उस पर आपको दिख रहा है हमेशा सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. तो हमेशा इस एक्सिस पे जो भी गुड होगा उसमें सेक्रीफाइस होगा, इस एक्सिस पे जो भी गुड होगा उसमें गेन होगा, ठीक है ना. और ये साइन मैंने आपको बताया था, दिस साइन इज नोन एज डेल्टा और डेल, ठीक है. इट इंडिकेट्स चेंज. अगर मैं डेल गुड वाई लिख रहा हूँ तो इसका मतलब चेंज इन गुड वाई. डेल गुड एक्स लिख रहा हूँ तो चेंज इन गुड एक्स. हमेशा याद के रखना है, कॉन्सेप्ट कहता है कि ऊपर होगा सेक्रीफाइस वाला गुड, नीचे होगा गेन वाला, ठीक है. इसकी रेशियो निकालते जाएंगे, एमओसी निकलती जाएगी. और एमओसी ही क्या है, पीपीसी की स्लोप. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको इस वर्ड का और मतलब बताया. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हो गई स्लोप, लेकिन मैंने आपको इस वर्ड का मतलब बताया था. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड दिस टर्म इज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. कई सारे कॉन्सेप्ट हैं इस टर्म से रिलेटेड, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था मार्जिनल मीन्स एडिशनल, द वैल्यू एट द नेक्स्ट लेवल. अगले लेवल पे वैल्यू क्या होने वाली है, इस पर भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर नेक्स्ट लेवल पे स्लोप बदल रही है, हर नेक्स्ट लेवल पे स्लोप बदल रही है, ठीक है ना. और इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हम कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस वर्ड का मतलब क्लियर पता होना चाहिए और एमओसी का मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना. इट इज़ द रेशियो ऑफ गुड बाय अपॉन गुड एक्स बिकॉज देर इज सेक्रीफाइस इन गुड बाय अपॉन गेन इन गुड एक्स. नाउ मैंने कल का ही यहाँ पे शेड्यूल बना दिया. मैंने चेंज इन वाई चेंज इन एक्स अलग से नहीं लिखा, मैंने एमओसी लिख दी जो हमने कल निकाली थी. आपने देखा ये कुछ कोऑर्डिनेट्स से इन दोनों गुड्स की ऐसी प्रोडक्शन हो रही थी. एमओसी पहले आया था 1, फिर आया था 2 और 4. तो कल की वीडियो से और कल की स्टडी से ये एनालाइज होता है, ये समझ में आता है कि जब भी स्लोप नेक्स्ट लेवल पर बढ़ती है, जब भी स्लोप नेक्स्ट लेवल पर बढ़ रही है, स्टीप हो रही है, तो डायग्राम क्या हो रहा है, कॉनकेव. तो हमारे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कॉनकेविटी का कारण क्या है, कॉनकेविटी या कॉनकेव डायग्राम का कारण क्या है. उसका कारण है इंक्रीज इन द स्लोप एट एवरी नेक्स्ट लेवल. एट एवरी नेक्स्ट लेवल द स्लोप शुड इंक्रीज. अगर हर नेक्स्ट लेवल पर स्लोप इंक्रीज होती जाएगी तो डायग्राम अपने आप कॉनकेव होता है. ये टेक्निकल था और ये हमने इसकी वैल्यू से भी फाइंड आउट करके एमओसी निकाला. आप देख रहे हैं कि ये हर नेक्स्ट लेवल पर बढ़ी रही है, तो इससे प्रूव होता है कि ये कॉनकेव है. अब क्वेश्चन ये आता है कि एमओसी बढ़ती ही क्यों है. इतना तो समझ में आ गया कि इसकी शेप कॉनकेव है तो इस कारण से है कि उसकी स्लोप नेक्स्ट लेवल पर बढ़ रही है तो वो कॉनकेव. लेकिन स्लोप नेक्स्ट लेवल पर बढ़ क्यों रही है, या फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि वाई
MOC increases at every next level. Why MOC increases at every next level? Why? Very very important question. अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ रहे हो? पहला क्वेश्चन था वाई इज पीपीसी कॉनकेव, सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने उसका सिंपल सा आंसर दिया था, पीपीसी इज अ डायग्राम एंड द शेप ऑफ एनी डायग्राम इज डिसाइडेड बाय इट्स स्लोप. किसी भी डायग्राम की शेप उसकी स्लोप डिसाइड करती है. स्लोप ऑफ पीपीसी इज एमओसी, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन दिस, बता दिया. एंड बिकॉज एमओसी इंक्रीजेस सो पीपीसी बिकम्स कॉनकेव. उस क्वेश्चन का आंसर हो गया वहां पे खत्म. वाई इज पीपीसी कॉनकेव को हम वहां तक बताएंगे जहां तक हमें बता रहे हैं एमओसी इंक्रीजेस एट एवरी नेक्स्ट लेवल एंड वेन एवर द स्लोप इंक्रीजेस एट एवरी नेक्स्ट लेवल डायग्राम बिकम्स कॉनकेव. पीपीसी का वो क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमको कल की वीडियो में मिल गया. फिफ्थ क्वेश्चन है कि उसकी स्लोप बढ़ती ही क्यों है. ये तो मान लिया कि स्लोप के बढ़ने से डायग्राम कॉनकेव होता है, ये तो फैक्ट है, ठीक है, ये तो लॉजिक है कि भाई स्लोप जैसे जैसे बढ़ती जाएगी डायग्राम कॉनकेव होता है. लेकिन अब क्वेश्चन आता है इस फैक्ट के पीछे रीजन क्या है, इस फैक्ट का कॉज क्या है, एमओसी बढ़ती ही क्यों है, हर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ क्यों रही है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आज पता करेंगे. तो सबसे पहले आप शेड्यूल में आके देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था एमओसी क्या है, सेक्रीफाइस और गेन की रेशियो है. और आपको पता है इन दोनों में न्यूमरेटर क्या है, सेक्रीफाइस. एमओसी के बढ़ने का कारण क्या है, सेक्रीफाइस. एमओसी तब बढ़ेगी जब सेक्रीफाइस हर नेक्स्ट लेवल पे क्या हो रहा है, ज़्यादा. समझ रहे बात को, सिंपल सी बात है. एमओसी रेशियो है सेक्रीफाइस अपॉन गेन की, मतलब जिस भी गुड में सेक्रीफाइस हो रहा है उसका सेक्रीफाइस हर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा तब जाके एमओसी बढ़ेगी. अब आ जाओ इधर देख लो, यहाँ पे पहले कितना सेक्रीफाइस हुआ पता नहीं, नेक्स्ट लेवल पे कितना सेक्रीफाइस हुआ, 10 का, ठीक है, 10 का सेक्रीफाइस, 10 का गेन. अब उसके नेक्स्ट लेवल पे जाके देखो, पहले 10 का सेक्रीफाइस था, कितने का सेक्रीफाइस हुआ, 20 का, सेक्रीफाइस बढ़ गया. अब आ गया हो, कितने का सेक्रीफाइस हुआ, 40 का, सेक्रीफाइस और बढ़ गया. तो कहने का मतलब सिंपल है कि जब भी सेक्रीफाइस किसी भी गुड की यूनिट्स में ज़्यादा होगा उतनी एमओसी बढ़ेगी और उतना पीपीसी कौन के होगा. इतना क्लियर है, ठीक है, कितना भी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए. एमओसी के बढ़ने का कारण क्या है, मोर सेक्रीफाइस एट एवरी नेक्स्ट लेवल एज कम्पेयर टू द गेन. गेन के कंपैरिजन में सेक्रीफाइस ज़्यादा होना चाहिए तभी न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर देन वन. दोनों बराबर हो गए तो इक्वल देन वन, और अगर गेन ज़्यादा हो गया तो लेस देन वन. तो अगर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना है तो क्या ज़्यादा होना चाहिए, सेक्रीफाइस, ठीक है. अब हम ये देखते हैं कि सेक्रीफाइस नेक्स्ट लेवल पे ज़्यादा क्यों होता है. सो अब क्वेश्चन ये है कि हर नेक्स्ट लेवल पे गुड वाई का या फिर किसी भी एक गुड में सेक्रीफाइस ज़्यादा क्यों हो रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग गुड में इतना गेन क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है. तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया था जो अपने अजम्पशंस हैं पीपीसी के वो कुछ ना कुछ मीन करते हैं. और कल भी हमने देखा था कि जो शुरुआत के 3 आंसर थे उसमें भी अजम्पशन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल था. तो यहाँ पे भी अजम्पशन ही आंसर दे रहा है, ठीक है. हमारा एक अजम्पशन था पीपीसी का, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ All goods या both the goods, resources are not equally efficient in production of both the goods. अब पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ, फिर उसका implication बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. इस लाइन का मतलब ये है, resources are not equally efficient in production of all goods. कहने का मतलब एक resource की efficiency सभी goods में समान नहीं हो सकती. Resource कुछ गुड्स को ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे गुड्स को उतनी एफिशिएंसी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज का स्पेशलाइज्ड यूज़ होता है. कहने का मतलब हर रिसोर्स की एक स्पेशलिटी है, वो अपना एक स्पेशलाइज्ड यूज़ रखते हैं, और अगर आप उसको उस स्पेशलाइज्ड यूज़ से निकाल के दूसरे यूज़ में डालोगे तो इतनी एफिशिएंसी वो शो नहीं करेगा. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मैं दोबारा बताता हूँ आपको. द कोस्टल एरिया लैंड, ठीक है, आई एम हैविंग 2 hectare लैंड इन अ कोस्टल एरिया. मेरे पास 2 hectares का लैंड है एज अ रिसोर्स. अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, या तो टी या तो कोकोनट. अब आप सोचो, अगर मैं कोस्टल एरिया में टी की कल्टिवेशन करूँगा, प्लांटेशन बना दूंगा, तो वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी या कोस्टल एरिया में कोकोनट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सोचो. ऑब्वियसली कोस्टल एरिया में क्या है, कोकोनट की क्रॉप को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, वहाँ की सॉइल उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है और टी के कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है. तो अगर आप उस लैंड पे कोकोनट उगाओगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से प्रोड्यूस होंगे,
और टी को लगाओगे तो हो सकता है वो प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ यूनिट्स गेन हो रही हैं, लेकिन होगा क्या, जैसे ही आप रिसोर्स को उसमें से हटा के दूसरे में लगाओगे, जैसे ही आप लैंड को कोकोनट की कल्टीवेशन से हटा के टी की कल्टीवेशन में लगाओगे, तो कोकोनट में सेक्रीफाइस होगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू द गेन इन द कल्टीवेशन ऑफ टी। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप रिसोर्स को उसके एफिशिएंट यूज़ से हटाते हो या उसके स्पेशलाइज्ड यूज़ से हटाते हो, तो नेक्स्ट लेवल पे सेक्रीफाइस बढ़ेगा और वो नए गुड का इतना गेन नहीं दे पाएगा। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव, लाइक इन अ हिली एरिया वी आर हैविंग वन प्लांटेशन ऑफ एप्पल्स, शिमला के पास हमारी एप्पल की प्लांटेशन है। अब अगर वहाँ पे चाहूँ मैं कि बनाना हो, बनाना की कल्टीवेशन हो, और मैं अपने लैंड पे थोड़ा पोर्शन बनाना का भी डालते जा रहा हूँ, तो क्या होगा, अगेन दैट थिंग विल हैपन। अब जैसे जैसे लैंड को एप्पल की कल्टीवेशन से हटा के बनाना की कल्टीवेशन में डालते जाओगे, तो एप्पल की प्रोडक्शन की यूनिट्स ज़्यादा सेक्रीफाइस होंगी, जितना गेन बनाना की कल्टीवेशन में नहीं हो पाएगा। और उसका कारण वही है, रिसोर्सेज आर हैविंग स्पेशलाइज्ड यूज़, रिसोर्सेज के पास स्पेशलाइज यूज़ होता है, तो आप जब भी उसको स्पेशलिटी से निकाल के अदर यूज़ में डालोगे, तो स्पेशल यूज़ में सेक्रीफाइस बढ़ने लग जाता है। और ज़्यादा सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, ज़्यादा सेक्रीफाइस का मतलब है उसकी स्लोप का बढ़ना, और स्लोप के बढ़ने का मतलब क्या है, डायग्राम के कॉनकेव हो जाना। वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, लाइक देर इज़ वन पर्सन हु हैज़ डन बी टेक और एम टेक, है ना, इंजीनियर है, बहुत ही अच्छा इंजीनियर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है। अब उसको हमने राशन की शॉप पे बैठा दिया, तो आपको क्या लगता है, राशन की शॉप पे उसको अगर बैठा दिया तो काम नहीं चलेगा, वो काम नहीं कर पाएगा, करेगा। लेकिन अगर वो किसी वो और किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप में होता, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फर्म में होता, तो आपको नहीं लगता उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन वो राशन की शॉप में दे रहा है उससे कॉन्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा होता, बिल्कुल होता, ठीक है ना। तो हर रिसोर्स का कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड यूज़ होता है, और जब भी हम उसको स्पेशलाइज्ड यूज़ से हटा के दूसरे यूज़ में डालते हैं, तो क्या होगा, उसकी जो स्पेशलाइज यूज है उसकी सेक्रीफाइस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द गेन ऑफ द अदर गुड, सेम हैपन्स, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन वन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा स्पेशलाइजेशन, एंड दिस इज अ फैक्ट दैट स्पेशलाइजेशन कैन बी देयर ओनली इन वन फील्ड। इवन इफ वी आर, अगर मैं भी एक रिसोर्स के तौर पे कई सारी चीज़ें काम कर रहा हूँ, कई सारे काम कर रहा हूँ, तो मेरी एक ही स्पेशलिटी हो सकती है, मल्टीपल स्पेशलिटीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। और यही हमारे पीपीसी का अजम्पशन है कि मल्टीपल स्पेशलिटीज दे डू नॉट हैपन फॉर एनी रिसोर्स, किसी भी एक रिसोर्स की हमेशा एक ही गुड में ज़्यादा स्पेशलिटी होगी एज कम्पेयर टू अदर। मान लो एक गुड में स्पेशलिटी 95% है, तो दूसरे में 94% हो सकती है, हमेशा एक में ही ज़्यादा होगी, समझ रहे बात को। सो दिस अजम्पशन प्रूव्स कि रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते। अगर मान लो आपके पास फिर भी कोई एक्सेप्शनल केस है, तो उसको हम इस कॉन्सेप्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। मेरे को पता है कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस क्वेरीज आते हैं कि सर ऐसा भी तो होता है, दोनों ऐसे ऐसे हो जाते हैं। पहली बात तो देखो, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। दूसरी बात, फिर भी आपके पास कोई एक्सेप्शनल एक एग्जाम्पल है तो यहाँ पे कवर नहीं है, क्योंकि हमने जो भी पीपीसी बनाया है वो इस अजम्पशन पे बनाया। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो भी कॉन्सेप्ट होता है किसी अजम्पशन पे प्रूव होता है, तो मतलब ये अगर अजम्पशन है तो ये कॉन्सेप्ट प्रूव्ड है। अगर अजम्पशन ब्रेक हो जाता है, रिसोर्सेज एफिशिएंट हो जाते हैं, तो पीपीसी भी ऐसी शेप का नहीं रहेगा। मान लो अगर रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट होते हैं तो सेक्रीफाइस और गेन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेक्रीफाइस ज़्यादा तो रहेगा नहीं भाई। एक रिसोर्स को एक गुड से दूसरे गुड में डालोगे तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्रीफाइस गेन बराबर हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन इक्वल हो जाएगा। जब पीपीसी, जब स्लोप हर नेक्स्ट लेवल पे सेम रहेगी, तो डायग्राम कॉनकेव होने के बजाय स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो उस वक्त पीपीसी की ये टिपिकल शेप नहीं होती, और टिपिकल पीपीसी के पीछे एक फैक्ट है कि पीपीसी इज कॉनकेव बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन। तो आपको ये अजम्पशन मानना पड़ेगा, तभी आप एक टिपिकल पीपीसी को कॉनकेव मान सकते हो। अगर आप कोई एक्सेप्शनल केस की बात करते हो, तो उस वक्त क्या होगा, एमओसी हर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा नहीं, और एमओसी के ना बढ़ने की वजह से पीपीसी की ये स्पेशल शेप ना रह के कोई और शेप हो जाए, समझ रहे बात को। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, अब आपको ये ध्यान में रखना है, फिर से एक बार मेरे साथ सारे पॉइंट स्टार्टिंग से दोबारा उसको समझो। पहली बात क्या थी कि एवरी डायग्राम गेट्स इट्स शेप ड्यू टू इट्स स्लोप। इन चीज को दिमाग में बांध लो,
बड़ा इजी हो जाएगा, आगे की पूरी माइक्रो बड़ी इजी हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें जो आप अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, आगे इन सब के रिपीट होने से आप बड़े ही इजीली उन सबको पढ़ पाओ। पहली चीज़ क्या है कि डायग्राम की शेप उसकी स्लोप डिसाइड करता है। दूसरी बात, अब फिर इसकी स्लोप पता करो, स्लोप क्या है पीपीसी की, एमओसी। फिर एमओसी का मतलब चेंज इन गुड बाय चेंज इन गुड एक्स, चेंज इन दैट गुड विच इज हैविंग सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन दैट गुड विच इज हैविंग अ गेन, उसकी आप रेशियो निकालो, ठीक है। चौथी बात, बिकॉज एमओसी इंक्रीजेस एट एवरी नेक्स्ट लेवल, पीपीसी बिकम्स कॉनकेव, क्योंकि एमओसी हर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहा है तो डायग्राम क्या हो गया, कॉनकेव। कॉनकेव होने का कारण इंक्रीज इन द स्लोप एट एवरी नेक्स्ट लेवल। पांचवी बात कि नाउ व्हाई इज एमओसी इंक्रीजिंग एट एवरी नेक्स्ट लेवल, एमओसी इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फिफ्थ अजम्पशन ऑफ पीपीसी दैट रिसोर्सेज आर इक्वली नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड। हमने ये मान रखा है पहले से ही, कॉन्स्टेंट बात अजम्पशन मान रखा है कि हम जो भी रिसोर्स पीपीसी पे यूज कर रहे हैं वो दोनों ही गुड में इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकता। लैंड कैन बी इधर गुड फॉर कल्टिवेशन, इधर गुड फॉर अ नॉन फार्म एक्टिविटी, सो इट मे हैव अ स्पेशलाइज यूज। एंड वॉट हैपन्स, सेक्रीफाइस ज़्यादा कब होता है, वेन एवर यू डिस्टर्ब द स्पेशलाइज यूज ऑफ दैट रिसोर्स इट विल गिव मोर सेक्रीफाइस एज कम्पेयर टू द गेन, ठीक है। तो आज की डेट पर भी अपन नेचर की ऑल माइटी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं नेचर कितनी पावरफुल है, ठीक है। जिसको हमने अभी तक सबॉर्डिनेट करने की कोशिश करी वो बड़ी पावरफुल है। तो वेन एवर यू विल डिस्टर्ब द स्पेशलाइज यूज ऑफ एनी रिसोर्स इट विल ऑलवेज गिव यू मोर सेक्रीफाइस एज कम्पेयर टू द गेन। जब भी हम किसी रिसोर्स का स्पेशलाइज यूज डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन में सेक्रीफाइस हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू गेन। दैट विल मेक वॉट, दैट विल मेक द पीपीसी कॉनकेव, बिकॉज एमओसी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एट एवरी नेक्स्ट लेवल, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इट्स न्यूमरेटर वैल्यू द सेक्रीफाइस, ओके। सो वी हैव टू ओबे सर्टेन लॉज ऑफ नेचर। हर रिसोर्स को हम अपनी मनमानी से यूज करेंगे तो इतनी एफिशिएंसी नहीं देगा, उसकी जो एफिशिएंसी जिस गुड जिस प्रोडक्शन में है उसको ही मेंटेन करके रखना क्या है, ज़्यादा फायदेमंद। फिर भी दूसरे में डालोगे तो क्या होगा, हर नेक्स्ट लेवल पे सेक्रीफाइस बढ़ेगा, हर नेक्स्ट लेवल पे सेक्रीफाइस बढ़ेगा तो एमओसी बढ़ेगी, और एमओसी अगर स्लोप बढ़ेगी तो पीपीसी क्या होगा, कॉनकेव होगा। तो ये उसके पीछे का क्या है, रीज़न है।